हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिवन। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षक भर्ती 2023 ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है 28 आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का। तो यहाँ पर सैलरी जो है वो आपको 23,000 तक मिलेगी। योग्यता यहाँ पर ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम और बीएड जो है यहाँ पर मांगा गया है। कहाँ से वैकेंसी आई है तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ है तो आप आगे तक वीडियो देख सकते हैं। कक्षा 6 से 8 तक यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी है और कक्षा 9 से 12 यानी टीजीटी और पीजीटी की यहाँ पर वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, 28 आवासीय विद्यालय से जो है वैकेंसी आई है यहाँ पर और हर स्कूल में जो है वो 11 टीचर्स यहाँ रखे जाएंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका यहाँ पर महिला ही जो है यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है। पूर्णकालिक शिक्षिका यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और फिजिकल एजुकेशन टीजीटी में वैकेंसी है। वहीं पर क्लास 9 से 12 यानी पीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और विज्ञान में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वैकेंसी, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की यहाँ पर जो है पद निकाले गए। ठीक है, प्रति विद्यालय जो है वो 2 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि जो 28 विद्यालयों से ये वैकेंसी जारी होनी है और यहाँ पर जो है हर स्कूल में 11 टीचर्स रखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है रोस्टर निर्धारण की तिथि यानी कि 5 अगस्त तक जो है वो बिल्कुल पता लग चुका है कौन कौन से स्कूल में कितने पद जो है वो खाली हैं। चयन हेतु विज्ञापन की तिथि, तो यहाँ पर विज्ञापन जो है वो 10 अगस्त 2023 को कंप्लीट और आवेदन प्राप्त करने की तिथि जो है 30 अगस्त 2023। लास्ट में आप देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन। वैसे तो आपका साक्षात्कार ही होगा, लिखित परीक्षा अभी तक तो नहीं हुई है, बट क्या होता है जैसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं और वहां पर मार्क्स भी जो है वो बच्चों के जो है वो समान अगर आने लग जाए, मेरिट लिस्ट जैसे ही तैयार होती है, तब ऐसी कंडीशन में पद कम और संख्या ज्यादा हो तो लिखित परीक्षा का आयोजन हो सकता है। बट ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्कूल होते हैं और अपने अपने जिले में ही जो है वो स्टूडेंट एप्लीकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ साक्षात्कार ही होगा, 15 सितंबर को होगा और यहाँ पर विद्यालय में आप लोगों का जो सिलेक्शन है वह 30 सितंबर 2023 तक हो जाएगा, यानी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी 30 सितंबर। तो ये वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे थे झारखंड से वैकेंसी आए तो आप बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही एमपी है, राजस्थान है। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी आती है मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहा गया है कि भाषा शिक्षिका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस या सोशल साइंस। ठीक है, इसमें जो है वो संबंधित विषय में आपके 50% अंक होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से और साथ में बीएड जो है वो यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, बाकी जो है वो एससी एसटी विकलांग कोटि के अभ्यर्थी को 5% की छूट दी जाएगी। ये भी कहा है कि चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता या प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने एमए एमएससी कर रखा है या और भी जो है वो उच्च कोटि का जो है वो आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखी है तो उसके मार्क्स भी जो है वो आपके जुड़ेंगे और उसके आधार पर मेरिट जो है वो बनेगी। पेमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि 15,840 रुपये जो है वो प्रति माह जो है वो आपको दे होगा और 3 वर्ष की अगर जैसे ही संतोषप्रद सेवा पूर्ण हो जाती है उसके बाद हर महीने आपकी 50% जो है सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, यानी आपकी जो है वो 22-23 हज़ार तक जो है वो सैलरी हो जाएगी। 3 साल की आपने जो है वो अच्छे से यहाँ पर काम कर लिया। अब जो है कई स्टूडेंट कहते हैं ये संविदा पर है, परमानेंट है, तो देखिए परमानेंट तो नहीं है लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते हम कि 1 साल जो है वो आपको रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कई सालों से जो है वो टीचर्स यहाँ अभी भी बनी हुई हैं, उनका काम बहुत अच्छा रहता है तो इस वजह से जो है यहाँ पर लगातार जो है उनकी पोस्ट को जो है वो रिन्यू हर साल जो है वो करते जाते हैं और पेमेंट भी यहाँ पर बढ़ती जाती है। यहाँ पर जो है एज लिमिट क्या कही गई है, देखिए हर नोटिफिकेशन में जो है वो चीजें अलग होती है। कहीं पर क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स के साथ स्नातक, कहीं पर 50% के साथ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड खुद करें यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम जो है वो 35 यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी जो है इसकी तो 35 ही रहेगी। फीमेल है अगर, चाहे वह सामान्य कैटेगरी की है या ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की है, तो 38 है साल यहाँ पर। बाकी जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनकी 37 है, एससी एसटी मेल फीमेल की 40 है और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनको 10 साल की जो है वो छूट दी जा रही है।
अभी आवेदन करने के लिए इन्होंने कहा है, झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित तो छाया प्रति। अब इस लाइन से जो है वो बिल्कुल यहाँ पर केवल झारखंड के स्टूडेंट ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी जो है वैकेंसी निकली कस्तूरबा गांधी की, तो वहां पर जो है वो अन्य राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए यदि एप्लीकेशन कर रहे हैं। बाकी जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जो है गठित चयन समिति के द्वारा अभ्यर्थी का चयन होगा। ठीक है, तो जिले वाइज अगर निकाला जाएगा तो एप्लीकेशन जो है वो जिला स्तर पर जो है वो आप लोगों को मेन साइट पर देखने को मिलेगा, और विज्ञापन जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो अच्छे तरीके से मेन वेबसाइट पर 10 अगस्त को जो है वो जारी हो जाएगा। बाकी सूचना जो है मैं आप लोगों को दे दूंगी। 30 सितंबर तक जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग आप लोगों की हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।